मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है, इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से 5 बड़ी खबर निकल के आ रही हैं भारत के किसान के लिए। जी हाँ, अगर आप भारत के किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, किस तारीख को नवी किस्त आपके बैंक खाते में आएगी, समस्त जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समस्त जानकारी यहां से प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी सरकार हर वो काम करती है जिसके माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, बेरोजगार, युवा को डायरेक्ट फायदा मिले। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से भारत के किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपये की धनराशि प्रदान करती है। जिसके अलावा मोदी सरकार 60 साल के ऊपर वाले लोगों को पीएम मानधन योजना के माध्यम से 3,000 रुपये प्रतिमाह एवं 36,000 रुपये सालाना प्रदान करती है। तो काफ़ी ऐसे काम हो रहे हैं जिसके माध्यम से किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाए। और यहाँ पर मोदी सरकार ने केवल और केवल किसान भाइयों का ही देखभाल नहीं की है, बल्कि गरीबों की भी की है, जिसका नाम है जनधन योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते नहीं हैं, तो जनधन योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से जीरो बैलेंस पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इस पे आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपये अपने बैंक से निकालने की ओवरड्राफ्ट की सुविधा से माध्यम से पैसा पूरा यहाँ पे निष्कर्षण निकलता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, भारत के सभी किसान भाइयों के खाते में 8वीं किस्त का पैसा आ चुका है। जी हाँ, किसान भाइयों के खाते में 8वीं किस्त का पैसा आ चुका है, परंतु अब भारत के जो किसान हैं वो नवी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके खाते में आखिर नवी किस्त का पैसा कब आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम आपको ये बता दें दोस्तों, हमारा चैनल है जो किसान भाइयों को, जी हाँ, जो भारत के किसान हैं उनको ही केवल देता है एंड्रॉयड का फ़ोन। जी हाँ, जैसे कि आपके कई किसान हैं जिनके पास अभी तक खुद का मोबाइल नहीं है, तो हमारी टीम चाहती है कि हमारा चैनल उनके पास पहुँचे, इसीलिए हम लोग आपको देंगे एंड्रॉयड का फ़ोन। लेकिन इसको पाने के लिए आपको 2 से 3 काम करना है। सर्वप्रथम आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में इतना सा बता देना है कि भारत के किस राज्य के आप किसान हैं। जी हाँ, अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको ये मोबाइल मिलना निश्चित है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के ऑलमोस्ट सभी किसान के खाते में 8वीं किस्त का पैसा आ गया, लेकिन अभी कुछ किसान भाई थे जिनका आधार नंबर, पैन नंबर कुछ गलत होने की वजह से 8वीं किस्त का भी पैसा उनके पास नहीं आया। लेकिन हम आपको बता दें, मोदी सरकार ने आपको मौका दिया है कि आप 8वीं और 9वीं किस्त का पैसा एक साथ ले सकते हैं। जी हाँ, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 9वीं किस्त का पैसा है वो किस तारीख को आ रहा है। तो दोस्तों, एक्सक्लूसिव हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही है कि किस दिन हम आपका पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दें, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो प्रत्येक व्यक्ति, जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति 3 किलो अनाज किसान भाइयों को भी और गरीबों को भी अनाज मिलेगा। जैसे आपको मालूम है, मोदी सरकार 3 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त बांट रही है, तो इसका फ़ायदा आप लोग भी उठाएं, क्योंकि एक किसान ही होता है जो अनाज उगाता है और अनाज बांटता है, तो इसका जो लाभ है आपको मिलना बिल्कुल निश्चित है। चलिए अब हम ज़्यादा बड़ी बात न करके आपको डायरेक्ट न्यूज़ पर ले चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो नवी किस्त है उसका इंतजार काफ़ी समय से किसान भाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर इसका जो पैसा है बैंक खाते में कब आएगा। तो हम, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हम आपको पूरी क्रिलिंग्स के हिसाब से अनुमान बता रहे हैं कि 15 अगस्त को आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ सकता है। जी हाँ, 15 अगस्त, हो सकता है इसके 1-2 दिन आगे या पीछे भी हो जाए, लेकिन 15 से 16, 16 से 17 आप मान के चलिए आपके वीडियो खाते में पैसा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी एवं लेटेस्ट योजना की समस्त जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।